हेलो दोस्तों, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है, ठीक है, जिसे ब्लड बाथ कहा जाता है। बियर की गिरफ्त में एक मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बुल का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चलता हुआ नजर आ रहा। तो देखिए, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है, सारे इंडाइसेस के साथ साथ स्टॉक्स सब कुछ गिरा हुआ है। हमारा पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो और मोस्टली सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी होगी, तो उसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे एक एक करके कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। निफ्टी में क्या चल रहा है, स्मॉल कैप में क्या चल रहा है, ठीक है। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे तो 1 मिनट लूंगा और कब बता कहूंगा कि सबसे पहले बात तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी करना है अपने हिसाब से करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके इस करना है। बट आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे, है ना। यहाँ पर एक से बढ़कर एक यहाँ पर वीडियोस बनाई जाती है, सिखाने के पर्पज से चीजें यहाँ पर आपको की जाती है। तो वीडियोस देखिए, सीखिए, साथ में आप चाहो तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर कब भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो सब कुछ आइडिया आपको लगता हुआ नजर आएगा। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा। 25,000 रुपए का कोर्स है। 8868054501, 8169261037, दो नंबर को सेव कर लीजिए और हमारे साथ यहाँ पर आप काम भी करना चाहो, क्योंकि ऐसे मौके पर अच्छी पिक कहाँ पर मिलेगी, तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो इन नंबरों पर, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही है पिछले कुछ दिनों से, मैं यहाँ पर लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है, आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ, बल्कि टॉप से ही बताता हुआ नजर आ रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं सीवर हो सकती है, ठीक है। तो काफी लोग होते हैं जो अपने शेयर को नहीं बेचते, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, मोस्टली रिशफल कर देते हैं, ठीक है। रिशफल में फिर गिरते हैं, वो बात अलग है, बट स्टिल बात करें, अछूता कोई नहीं रहता। आप अगर सोचोगे कि 100% यहाँ पर चीजें लोग निकल जाते हैं, ठीक है, और बीच बीच में आते जाते हैं, जाते रहते हैं, तो याद रखिए बीच में आना जाना, ठीक है, वहां पर बड़े पैसे नहीं बनते, पैसे बन सकते हैं, ठीक है, काफी लोग स्मार्ट होंगे, तो वो मामूली लोग होते हैं, ठीक है। मामूली का इंदमत अगर बात करें, 100 100 में से कोई इक्का दुक्का हो गया, ठीक है, तो 1,000 में से इक्का दुक्का हो गया, मैंने 100 तो बहुत बड़ी बात कह दी, ठीक है। मैं तो कहूंगा 1 लाख रुपए, 1 लाख में से 1 2 5 पर लोग हो गए, ठीक है, जो उस दिन की गिर गया, फिर एकदम बॉटम पता चल गई और फिर ऊपर ही सही टाइम पे निकल गया, वो 1 आध 2 लोग होते हैं। बट बात करें ओवरऑल पूरी मेजोरिटी की बात करके चलेंगे, तो वहां पर रिशफल किया होगा बड़े लोगों ने, वो बात अलग है, बट स्टिल मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो इस तरीके से अच्छे खासे गिरे हुए हैं। उस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप इस रेस में बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, आप ही का पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, किसी और का नीचे नहीं जा रहा है, इस चीज को बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा अपने मन से। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक लंबी जर्नी है, कम से कम 20 साल आपको देने होंगे, तब जाके आपकी एक वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आप सोचोगे 1 साल 2 साल 4 साल के अंदर अंदर मैं अरबपति खरबपति बन जाऊंगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या करना है, तो नेगेटिव में तो ऑलरेडी है, बट आपको देखना है, क्या देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक्स है। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे, इवन मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स थे जो कि यहाँ पर 10% लगभग 13 14% तक गया, बट 10 8 9% 10% तक बंद होता हुआ नजर आया। क्यों बंद होता हुआ नजर आया? क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने हैं ताकि गिरावट होगी, मुझे नहीं पता कहाँ तक रुकेगा, कहाँ जाके गिरेगा, शायद यहीं से रिकवरी आ जाए, शायद यहाँ से और गिर ना गिरे, ठीक है, या फिर और गिरे तो और गिर जाए, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो में क्या ऐसे स्टॉक है जो कि अगर गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, गिर रहे हैं, बट जब मार्केट रिकवर होगी तो आपके स्टॉक सबसे पहले भागेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी रिकवर होंगे और आपके पैसे बनेंगे। आपको बस ये देखना है, बाकी का खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। लोग अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है, कि ये महाराष्ट्र का इलेक्शन आएगा, पहले हरियाणा का आ रहा था, फिर अब महाराष्ट्र का आ रहा है, ठीक है। बात करेंगे लोग कि FIs पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, कभी चाइना ले जा रहे हैं, कभी अमेरिका ले जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की बातें होगी। सिंपल बिकवाली हो रही है, क्यों हो रही है, तो यहाँ पर डेटा हमारे सामने है, तो आप देखोगे अभी भी आज का डेटा आया नहीं है, बट यहाँ पर देखोगे तो 25,000 करोड़ के आसपास का 12 तारीख तक यहाँ पर सेल कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं DIIs पीछे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उनमें भी खरीदारी की जो गुंजाइश है वो खत्म हो रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी शायद वेट कर रहे हैं कि हो जाने तो अब जो हो रहा है, और जो एयरटेल है वो तो ऑलरेडी नया इन्वेस्टर है, ठीक है, और वो गिरता है तो वो सबसे पहले एग्जिट करता है, ठीक है, या फिर रखे रहता है,
तो अच्छी बात है, जो रखा रहेगा वो टाइम देगा तो उसके पैसे हमेशा बनते हुए नजर आएंगे, बट कंडीशन ये है कि अच्छे अच्छे स्टॉक हो आपके पोर्टफोलियो में। अक्टूबर में देखे तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुई है, 1 लाख ठीक है, 14 हजार करोड़ के आसपास यहाँ पर बिकवाली हुई है ठीक है, साथ में खरीदा भी गया है, बट स्टिल याद रखिएगा अच्छी खासी बिकवाली है। म्यूचुअल फंड का डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा आया है ठीक है, इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपको सब चीजों का ध्यान देना है, और सब चीजों का ध्यान देके आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अपनाना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडाइसिस से रिलेटेड, तो इंडाइसिस में मैं आपको अगर बात करूं तो देखिए यूएस मार्केट से आप कंपेयर मत करिए, किसी और मार्केट से कंपेयर मत करिए, आप अपने स्टॉक्स और अपने आपको यहाँ पर कंपेयर करना है ठीक है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। तो देखिए ऊपर भी जब ये बना था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एक छोटे लेवल पे ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने बताया था कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे शोल्डर हेड शोल्डर ठीक है, और उसकी गिरावट हुई तो ये मार्केट यहाँ तक आएगी, वहां तक आया, अब आके फिर रिवर्स होती हुई नजर आई, फिर दोबारा गिर रहा है, तो दोबारा एक पैटर्न दोबारा बनते हुए नजर आ रहा है। क्या बन रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, शोल्डर ठीक है एक बड़ा सा है, और फिर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है ठीक है, ये रिवर्स ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सॉरी मैं रिवर्स कह गया था। तो इसके बेसिस पे जो टारगेट आ रहे हैं ना, वो टारगेट क्या आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे जो टारगेट आ रहे हैं वो टारगेट आ रहे हैं ये ठीक है 15,511। तो क्या 15,511 आ सकता है, तो देखिए आ सकता है ठीक है, उसके बाद अगर गिरा तो मुझे लगता है ये भी आ सकता है, 15,000 तक मार्केट गिर सकता है ठीक है, लगभग 2,500 पॉइंट की गिरावट है, 2,500 पॉइंट अगर मार्केट गिरा तो लगभग 14% 10-12-13% ये बनता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है, 13% ये गिरा तो स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो शायद 20-25% और नीचे आ सकता है। तो क्या खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, बाउंस बैक भी जब आएगा तो याद रखिए बहुत तेजी से बाउंस बैक आता हुआ नजर आ सकता है। बट मुझे क्या लग रहा है, मुझे अंदाजा अंदाजा पहले भी था कि यहाँ पर जो सेबी ने एक्सपायरी का जो वो किया था ना कि एक्सपायरी बंद होने वाली है ये वो, तो उसके चक्कर में भी शायद कहीं ना कहीं पैसे निकल रहे हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका मार्केट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, वो अब ऊपर की लेवल की मार्केट है, जब यहाँ पर जब इंडिया की मार्केट चल रही थी है ना, उस टाइम क्या हो रहा था, इंडिया की मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, और अमेरिकन मार्केट क्या है बिल्कुल फी के लेवल पे यहाँ पर एक ही रेंज में चलती हुई नजर आ रही थी इस एरिया में, और हम यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। अब क्या हो रहा है, अब ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पर एक रेंज में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये रेंज है जिसमें हम एक काम करते हुए नजर आएंगे, ये एक कंसोलिडेशन एरिया भी मुझे नजर आता है, ये पूरा का पूरा एक 200 DMA के आसपास इसने एक शायद एक सपोर्ट बना लिया है, यहाँ से एक बाउंस बैक होता हुआ नजर आ सकता है, ये 5 मिनट का चार्ट शायद यहाँ से एक बाउंस बैक हो जाए ठीक है, जिसके चांसेस मुझे नजर आते हैं ठीक है। कल एक एक्सपायरी है, कल खत्म हो जाएगी एक्सपायरी ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, मंथली एक्सपायरी पे आ जाएगा, ये डेली का लफड़ा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बेफालतू के जो इशू बने हुए हैं वो यहाँ पर इशू खत्म हो जाएंगे ठीक है, इलेक्शन ये वो ये सब चलता रहेगा, चीजें थोड़ी सी सीवर जिनकी वैल्यूएशन अनाप शनाम है, जो शेयर थोड़ा सा अच्छे नहीं है ठीक है, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, और काफी लोग कह रहे हैं रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मैं कम से कम 100 से 200 कंपनी ऐसी बता सकता हूँ जिनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं ठीक है, बट उनकी भी पिटाई हो रही है, अच्छी खासी पिटाई हो रही है, एक दिन वो चलते हैं मार्केट रिजल्ट आते हैं, फिर उसके बाद वो भी गिरते हुए नजर आते हैं, फिसड्डी बनते हुए नजर आते हैं, बट वो स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म आगे के टाइम में आते हुए नजर आएंगे जैसे ही मार्केट भागेगी। तो मुझे यहाँ पर ये एरिया कंसोलिडेशन वाला लगता है, गिरने वाला नहीं लगता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर होता हुआ नजर आया था ठीक है कि ये गिर रहा था कंसोलिडेशन हो रहा था, सेम यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हमारे मार्केट में होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इससे पहले भी हम बात कर रहे थे देखिए यहाँ पर भी लगभग 200 DMA के आसपास भागा था, यहाँ पर भी उसी आसपास भागा था ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये फिर दो यहाँ पर भी दो यहाँ पर जब कंसोलिडेशन हुआ था एक लंबा लंबा चौड़ा, तो याद रखिए 2022 से 23 जब रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम था तो उस टाइम भी यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई थी, कंसोलिडेशन हुआ था एक रेंज में, फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था, तो ये गिरावट नॉर्मल है, बट याद रखिए जब जब गिरेगा तब तब तेजी होगी, और तब तब तेजी एक बेहतरीन तेजी होगी, और ऐसी तेजी होगी कि आपको फिर यहाँ पर छोटे मोटे 5-10% 20% लेके नहीं निकलना, फिर आपको केवल 50-100-150-200%
आपके रिटर्न लेके निकलने हैं, जब तक आपकी कंपनी अच्छा करे आपको रहना है और फिर यहाँ पर पैसे बनेंगे। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट हर एक कंपनी में खराब आ सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे शेयर लगातार भागते नहीं है गिरते भी है, ठीक है, और लगातार गिरते नहीं है भागते भी है, उसी तरीके से लगातार अर्निंग अच्छी नहीं आती बेकार भी आती है, और लगातार बेकार नहीं आती अच्छी भी आती है, और फिर उसी में ही सारा चक्र चलता हुआ नजर आता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा टाइम देना है, अभी मुझे नजर आता है कि शायद ये दैट्स इट वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर रुक जाना चाहिए मार्केट को, अगर नहीं रुकता तो फिर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, ठीक है, और गिरावट सीवर भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स के चांसेस भी ज्यादा है और शायद गिरावट के चांसेस भी ज्यादा है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बट आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक क्या है, क्या आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स है, अच्छे खासे स्टॉक्स है 6 महीने 1 साल रुक सकते हो, ठीक है, ऐसा पैसा तो नहीं लगा पड़ा जो अभी आपको निकालना है ना, तो अगर ऐसा नहीं है तो वेट कर लीजिए, शांति से बैठिए, ठीक है, चीजें चेंज होगी, जैसे ही चीजें चेंज होगी पैसे शेयर बाजार ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा और आपके पैसे बन जाएंगे, जो आपके टारगेट शायद 1-1.5 साल के थे वो शायद 2-3 साल ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो ही होता हुआ नजर आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छे स्टॉक्स पे नजर रखनी है, बेहतरीन आपकी स्टडी है, आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे कौन से स्टॉक गिरेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, तो याद रखिए पैसे बनते हुए नजर आएंगे, मेरी कहना यही है, ठीक है, मैं बार बार यही कहता हूँ, अभी यहाँ का माहौल अलग है, ठीक है, यहाँ का माहौल अलग है, और यहाँ का माहौल जब यहाँ का माहौल भी धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ का माहौल भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इंडियन मार्केट और पूरा बेच के नहीं जाने वाले फॉरेन इन्वेस्टर, और ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर ही पैसा रहेगा, यहाँ पर से पैसे यहाँ पर भी आता हुआ नजर आएगा, तब दोबारा पैसे भागते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को यहाँ पर ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है, पैनिक में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, किसी और को नहीं सुनना, ठीक है, मोस्टली लोगों को सुन सुन के आप कहीं ना कहीं अपने अच्छे शेयर बेच दोगे और शायद आने वाले 1.5-2 साल 3 साल बाद अपने आपको रिग्रेट करोगे कि आपने 100 रुपए पे खरीदा कोई शेयर, वो 50 रुपए आ गया 40 रुपए आ गया, और वो 40 रुपए वाला शेयर 2 साल बाद 3 साल बाद शायद 400 रुपए है और 500 रुपए है, देन यू विल रिग्रेट ऑन योर सेल्फ कि अगर मैं वेट कर लेता, ठीक है, 60% बेशक से शेयर गिरा था बट मुझे आज 3 गुना 4 गुना रिटर्न देख के जा रहा है, यही मार्केट का असूल है, यही मार्केट हमेशा करती आई है, हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, दो तरीके की गिरावट होती है, एक धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आता है, लोअर लोज लोअर हाई नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करें एक गिरावट ऐसी भी आती है 2020 की तरह जो यहाँ पर लगातार गिरता हुआ नजर आता है कि लगातार मार्केट यूं गिरा, और फिर जब रिकवरी आती है तो उसकी भी एक साथ ही रिकवरी आती हुई नजर आती है, तो शांति रखिए, संभल के यहाँ पर काम करिए, आराम से काम करिए, अच्छे खासा मार्केट भाग जाए, डिस्काउंट भी होगा, अच्छे शेयर होंगे तो पैसे भी बनेगा, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।